नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, वो टॉपिक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर किसी की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। आज के समय में आपको पता है अधिकांशतः लोग, बल्कि सभी लोग अपने शरीर का बहुत ही ख्याल रखते हैं। काफी लोगों ने जिम लगा रखी है, काफी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और काफी लोग अपनी बॉडी की दिनचर्या को और एकदम अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए करते हैं। दोस्तों, अब समस्या एक विकराल और विकट समस्या आज धीरे धीरे करके हमारे घरों में प्रवेश कर रही है और वो जटिल समस्या है जो महिलाओं के साथ ज्यादा हो रही है, सफेद दाग की समस्या। स्किन पर वाइट स्पॉट हो जाते हैं, स्किन पर, जिसे डॉक्टर्स बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। क्यों होता है, क्या वजह है इसकी, वो मैं आपको बातें बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखना, तभी आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कुछ समय पहले अगर हम पुरानी बातें करें तो उसे बोलते थे कुष्ठ रोग हो गया, कुछ बताते थे कि दैवीय कोप की वजह से ऐसा हुआ है, कुछ लोग बताते हैं कि जो आपकी कुल देवी है, कुल देवी का आपके ऊपर कोप है जिसकी वजह से आपको ये दोष हुआ है। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये कोई दैवीय प्रकृति नहीं, बल्कि हमारे अंदर हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरह से असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है और जिसे बाद में बताया गया कि ल्यूकोडर्मा है। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा आखिर क्यों हो रहा है और अधिकांशतः ये महिलाओं के अंदर ही क्यों हो रहा है, वो जानने वाली एक महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आपको पता होगा, आप सब लोग जानते हैं कि जो महिलाओं का जो शरीर होता है वो जो पुरुष होते हैं, पुरुष के मुकाबले एकदम पूरी तरह से अलग होता है। उनके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि उन्हें एक जननी भी बोलते हैं। जिस तरह से वो जननी है, तो ऐसे एक शिशु को जन्म देना और उसकी पूरी क्रिया विधि, जो पूरा चक्र वगैरह, वो उसके शरीर के द्वारा ही होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं। इसके साथ क्या होता है कि कुछ खाने पीने की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अधिकांशतः जो व्हाइट स्पॉट की समस्या उनको होती है, जो बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। अधिकांशतः बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि मुझे किसके साथ क्या खाना चाहिए। आपने देखा होगा शादी विवाह के जो समारोह होते हैं, वहां पर खाने के लिए काफी आइटम्स होते हैं। अब किसी को नहीं पता है कि मुझे कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। पता चला कि भाई किसी ने चाय पी ली, चाय के बाद उसने वो खाना स्टार्ट किया, खाने में उसने अपने साथ दही वाला रायता भी रख लिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि दही और दूध का साथ साथ सेवन हो रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है उसके लिए। काफी बार घर परिवार में क्या होता है, घर परिवार में बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत अच्छा और चटपटा खाने को चाहिए होता है, तो उन्हें दोनों के मेल जोल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। आप अधिकांशतः लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि करेला की सब्जी और भिंडी की सब्जी एक साथ खाने से भी हमारे शरीर पर जो कोशिकाएं होती है उन पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है, बहुत बुरा फर्क पड़ता है। लेकिन क्या है कि काफी बार ऐसा होता है कि जैसे करेला की सब्जी होती है, करेला की सब्जी एक दिन में खराब नहीं होती है, वो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक चल जाती है। काफी लोग इस तरह से उसे बना के रखते हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, भिंडी की सब्जी बनी और भिंडी के साथ थोड़ा सा करेला रख लिया और करेले को भी लोग खा रहे हैं। भिंडी और करेला मिलकर आपकी बॉडी में जहर बनाता है और वो जहर किस तरह से निकलता है, वो आपके हार्मोन्स को चेंज करेगा और सबसे ज्यादा अटैक करता है वो कोशिकाओं पर, जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उन पर एक बेहद ही जहर जैसा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन अंदर से और एकदम पूरी तरह से खराब होने लगती है, पूरी एकदम मृत कोशिकाएं होने लग जाती है उस जहर की वजह से। जैसे आपने अधिकांशतः काफी जगह देखा होगा कि किसी के अंदर जैसे सांप काट जाता है या फिर किसी को बिच्छू काट गया, तो उसके अंदर जैसे जहर जाता है तो जहर एकदम बॉडी में मिलता है, खून में मिलता है, उसकी कोशिकाओं को भी वो खराब कर देता है। इसी प्रकार आपने, आपको शायद ये बात भी पता नहीं होगी कि बहुत से लोग रायते खाने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं,
उन्हें रायता चाहिए, दही में नमक जरूर मिला के खाते हैं। आप आयुर्वेद के अनुसार चलोगे तो आपके तो आयुर्वेद के अनुसार आपको दही में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए। दही में अगर आप नमक डाल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अंदर एक बीमारी को प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से मैंने लोगों को देखा है, बहुत सी मैंने महिलाओं को देखा है, वो रायते में अपने में खीरा भी मिला लेती हैं। रायते का खीरा भी आपके लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर सकता है। आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, आपकी जो चमड़ी होती है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती हैं वो, और वो धीरे धीरे करके वहां पर कुछ एक स्पॉट्स टाइप के होने लग जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही अगर आपने उसे अनदेखा कर दिया तो ये धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी को, आपके शरीर को ढकने लग जाते हैं। इसका मतलब अगर वो व्हाइट स्पॉट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कोशिका वहां से मर चुकी है, मृत हो चुकी है वो कोशिका। तो दोस्तों ऐसे खाने पीने की चीजों पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, शादी में गए, शादी में एक चीज यहां से उठाई, रसगुल्ला उठा लिया, वहां पे जाके मैंने चाउमीन खा ली, वहां पे जाके मैंने रायता पी लिया, और जब पूरी चीज खत्म हुई तो उसके बाद मैंने आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम के बाद जब लास्ट में वहां से चलने लगा तो सोचा चलो यार थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ, क्योंकि जो हमारी तरफ उसे बोलते हैं कुल्लड़, कुल्लड़ में दूध पीने के लोग बड़े शौकीन होते हैं, उसको ऊपर से मलाई डाल दी जाती है, उसे पीते हैं। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि वो दूध नहीं पीती तो वहां से वो कॉफी ले लेती हैं। तो ये सफेद, जो सफेद दाग है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी का जो शुरुआत अब द्वारा चलने लगा है, उसकी मेन वजह जो आप प्रीति भोज में जाते हो, आप किसी शादी समारोह या किसी फंक्शन में जाते हो तो वहां पर आप पूरी तरह से एकदम अनियंत्रित हो जाते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें साथ में खानी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं उसके पीछे मेन वजह क्या होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी जब भी आप किसी समारोह में जा रहे हैं, जहां पर आपको दावत में जाना है, तो आपको चयन करना है कि आपको कौन सा पदार्थ कब खाना है। और बात बता रहा हूं मैं आपको, काफी लोग जैसे कि और भी इम्पोर्टेंट बात है व्हाइट स्पॉट की होने के कारण क्या है, अधिकांश लोग, आपको पता है कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें छोड़ के गए हैं जिन्हें हमारा पूरा समाज आज भी परेशान है, उनकी वजह से उन चीजों को भुगत रहा है। जैसे कि काफी लोगों को देखा होगा कि घर पे अगर कोई रिश्तेदार या कुछ लोग आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको चाय और नमकीन का नाश्ता कराते हैं। चाय में दूध की मात्रा होती है और नमकीन में नमक होता है। दूध और नमकीन अगर साथ साथ मिलते हैं तो आपके अंदर वो जहर पैदा करते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और आपकी कोशिकाएं, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट है। मैंने काफी लोगों को ऐसे देखा है जो चाय के साथ नमकीन बिस्किट का यूज करते हैं। चाय के साथ, दूध के साथ कभी भी आपको नमकीन का सेवन नहीं करना है। और महिलाओं को खासकर एक बात विशेष और ध्यान रखनी है कि जब भी वो सलाद अपने खाने के साथ यूज करती हैं तो उस पे कभी भी आप नमक का इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो आपको वहां पर काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको बिना नमक के और वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनसे हमें बचना होगा। हमारा जो पुरातन, जो सनातन धर्म के अनुसार जो पुरातन काल था हमारा, हम लोगों को ज्ञात होता था कि हमें कौन सी चीज अब खानी है, कौन सी चीज बाद में खानी है, कितनी देर बाद खानी है। आप जानते हो तरबूज के साथ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने भी देखा होगा हमारे जो पुराने बुजुर्ग बताते थे कि बेटा आपने तरबूज खाया है तो अभी आप पानी मत पियो, अगर आपने मूंगफली खाई है तो आप पानी मत पियो, मतलब पानी भी पीने के लिए मना कर देते लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो लोगों को पता ही नहीं है, जिम करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता है कि कम से कम अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कम से कम इस चीज के बारे में थोड़ा सा जागरूक करें कि कौन सी चीज आपको खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, साथ साथ खाने से कितने नुकसान होते हैं। और ये बीमारी एक बार जब आपकी बॉडी में घुस जाती है तो सही होने में सालों लग जाते हैं, दिन नहीं, महीने नहीं, सालों लग जाते हैं। दोस्तों मेरी इस बात का ध्यान रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आगे आपके साथ और भी लेके आऊंगा जानकारी,
व्हाइट स्पॉट्स के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।